आज कांग्रेस के युवराज अपने चुनाव अभियान को प्रारंभ किए हैं, तो मैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने लोगों को कहा है कि वो संसद का कक्ष दिखाएंगे, जहां उनकी बुखार से ग्रस्त माँ जाके बैठ गई थी, तो वो तो संसद का कक्ष है। मैं लगभग 2 साल से कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के कैंपेन में जहाँ राहुल गांधी के जाने से लगभग हर उस सीट पे उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई थी जहाँ वो गए थे कांग्रेस के उम्मीदवार की, तो मैं उनको ये कहूंगी कि वो जितने लोगों के घर में वहां गए थे पहले उनको अपने घर में बुला लें। और ये बात मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ कि गरीब लोगों को अपने घर में बुलाओ, अपने ड्राइंग रूम में बुलाओ, उनको वहां बिठा करके चाय पिलाओ, इसी में उनका सम्मान होगा। पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को, आदिवासी वर्गों को, गरीब वर्गों को अपने घर में बुलाओ। जो बात उन्होंने अफ्रीका के साथ मध्य प्रदेश की तुलना की है, जब मैं 2003 में आई थी उस समय पे मध्य प्रदेश में भूख से मौतें हो रही थी, और अब 1 रुपया किलो गेहूं और 2 रुपया किलो चावल की योजना ने इस समस्या का निराकरण कर दिया है। जब भी खेती बढ़ती है तो भुखमरी अपने आप मिटती है। FDI भुखमरी बढ़ाने का कारण बनती है, खास करके FDI रिटेल, वो भुखमरी और बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। और ये बात हमारे जैसे देश के लोग नहीं कह रहे, अमेरिका जैसे देश के लोग कह रहे हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं वालमार्ट जैसी, जिनको UPA की सरकार ने लाने की कोशिश की और राहुल गांधी ने जिनको रोका नहीं, जो असल में भुखमरी और बेरोजगारी के बढ़ने के कारण। मध्य प्रदेश में खेती में चमत्कारिक प्रगति की है, क्योंकि जो भारत के विकास का जो मूल तत्व है वो खेती है। इसी से बेरोजगारी के निदान निकलते हैं, इसी से भुखमरी के निदान निकलते हैं। तो इसलिए मैं आज पूरे मीडिया के माध्यम से ही राहुल गांधी जी को कहूंगी कि आपने संसद के कक्ष में तो लोगों को निमंत्रण दिया है, आप उन लोगों को जिनकी खटिया पे बैठ के पकौड़े खाए थे, समोसे खाए थे, चाय पी थी, उनको अपने घर के ड्राइंग रूम में कब बुलाएंगे, उनको आप कब सम्मान देंगे, क्योंकि वो तो अभी भी आपके घर के बाहर खड़े रहते हैं, उनको अभी भी आपके घर के अंदर प्रवेश की इजाजत मिलेगी। भारत में और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित वर्गों के विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी में ही है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सबको एक समान स्थान है, इस पर तो लोगों की ही मोहर लगी हुई। अभी सब तरफ चुनाव का वातावरण है, लेकिन एक बात मुझे याद है, जब मैं उत्तराखंड गई थी, हादसे के 2-3 दिन बाद ही गई थी, तो मैंने सभी राजनीतिक दलों से निवेदन किया था कि अभी हादसे की समीक्षा करिए और जितना बन सके सहयोग करिए। अभी तो आलोचना और आलोचना के जवाब इसको उलझाइए मत। लगभग 25 से 30 हजार लोग की मृत्यु हुई है उत्तराखंड में केदार घाटी में, क्योंकि उसके बाद मैं गई, हमारी पार्टी ने एक टीम बनाई है जिसमें भगत सिंह कोश्यारी वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो हैं, शाहनवाज हुसैन जी हैं, मैं हूँ। मैं वहां गई, 4-5 दिन वहां रही, और जो बात मुझे दूर से समझ में आई थी वही नजदीक से समझ में आ गई, बल्कि पुष्टि हो गई कि प्राकृतिक विपदा से धन हानि हो सकती थी लेकिन जन हानि एक भी नहीं हो सकती थी अगर प्रशासन ने अपने कर्तव्य को पूरा किया होता, तो एक भी जन की हानि नहीं हो सकती थी, खास करके केदार घाटी में। वहां मात्र इतना करना था कि 36 घंटे से हुई बारिश से जो तालाब भर गया था गांधी सरोवर, जो पहाड़ पर था हिमालय पर केदारनाथ से 3 किलोमीटर पीछे,
ऊंचाई पर जो उबल गया और जिससे पूरा हादसा हो गया। उसकी वार्निंग अगर 16 तारीख को सवेरे दे करके तब 36 घंटे हो गए थे बारिश के और पूरी केदार घाटी खाली करवा ली जाती और कुछ पंडे पुजारियों को भैरव शिला पर स्थित कर दिया जाता जो कि ऊंचाई पर है केदारनाथ के बगल में। तो एक भी व्यक्ति की मृत्यु केदार घाटी में नहीं हो सकती थी। तो लगभग 25 से 30 हजार लोग केदार घाटी में मरे हैं। रतनगढ़ की जो घटना है वो इतनी दुखद है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। चुनाव आयोग ने मुझे जाने नहीं दिया। जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिले के कलेक्टर, उनका मुझे फोन आया कि दीदी हमें आपकी व्यवस्था बनाने में ही कठिनाई हो जाएगी क्योंकि मेरी जो कैटेगरी है वो जेड प्लस की और हम चाहते हैं कि अभी प्रशासनिक अमला जो है उन लोगों के सहयोग में लगे, तो अभी आप मत आइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं आती। मुझे चुनाव आयोग ने छतरपुर में दशहरे के कार्यक्रम में भी नहीं आने दिया। वहां के भी कलेक्टर का फोन मुझे दिल्ली में गया और वो निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से बोल रहे थे, इसलिए मैंने उनकी बात का सम्मान किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस कार्यक्रम में मत आइए क्योंकि आप दर्शक की हैसियत से बैठ सकती हैं लेकिन कार्यक्रम में ऊपर आप मंच पर, चूंकि मैं उसकी अध्यक्षता कर रही थी तो मुझे लगा कि मान लो मैं नीचे जाके बैठ गई वहां तो कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए जिसमें किसी नियम का उल्लंघन हो जाए। तो हम तो चुनाव आयोग के सारे नियमों को मानते हैं, हम सहमत भले ही ना हो लेकिन मैं मानती सब बातों को और उसका पालन करती हूँ। तो मैंने दोनों जिलों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल किया और मैं वहां नहीं गई। जब मैंने सोनिया गांधी जी को दशहरे के कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा दिल्ली में, तब जरूर मुझे दुख हुआ कि ये भेदभाव क्यों। फिर उनको मंच पर जाने की अनुमति मिली, उनको रावण को शायद तीर मारने की भी अनुमति मिली तो हमको भी मिल जाती, क्योंकि जहां तक ये बात है कि इससे वोट जुगाड़ने की कोशिश होगी तो टीवी का कार्यक्रम तो लाइव था, पूरी दिल्ली प्रदेश को देख रहा था, पूरे देश को देख रहा था, हमें भी मिलती, इसका मुझे जरूर दुख हुआ। बाकी मैं तो चुनाव आयोग के नियमों को गीता के नियम की तरह मान लेती हूँ लेकिन भगवान से भी जिरह करने का तो हमें अधिकार है, तो हम चुनाव आयोग से भी, मैंने पत्र लिख के भी कहा, अभी भी कह रही हूँ। रतनगढ़ की घटना के बारे में भी मैं यही कह रही कि वो एक ऐसा दुखद हादसा है और अभी तक वहां पर नदी में बहती हुई लाशें मिल रही हैं। कलेक्टर और एसपी सस्पेंड किए गए हैं, न्यायिक जांच के आदेश हो गए हैं, सारे तथ्य सामने आएंगे और अगर कहीं कोई चूक तथ्यों को सामने लाने में हुई, गृहमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ कुछ कमियां तो रह गई हैं। नहीं तो मैंने आमतौर पर देखा है कि उत्तराखंड के इतने बड़े हादसे के बाद में भी राज्य की सरकार ने स्वीकार नहीं किया कि हमसे लापरवाही, पहली बार मैंने